दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों आज विशेष उद्देश्यों को लेकर आपके बीच में आया हूं, कुछ सच्चाई आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। मेरे कई बेरोजगार युवा साथी हैं, जो लोग कई बीएसटी से बीएड करके नए नए आए हैं, कुछ पुराने साथी थे। सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, कैसे उपेन यादव को बदनाम किया जाए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखें और उसके बाद आप अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला लीजिए, कौन सच है, कौन झूठा है, सच क्या है। इसके अलावा जो तमाम यूट्यूब चैनल है, करीब 1500 के करीब यूट्यूब चैनल इस मेरे वीडियो को अपलोड करते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक मेरे बेरोजगार साथियों तक पहुंचाए, जिससे वो गुमराह ना हो सके। दोस्तों राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और उपेन यादव वो बंदा है जो बेरोजगारों को लूटने से बचाया है। बहुत सी ऐसी छोटे छोटे बहुत से ऐसे झूठे संगठन बन चुके थे जो बेरोजगारों से पैसे लूटने का काम कर रहे थे। अब उनका उद्देश्य यह है कि उपेन यादव के पास बेरोजगार जाते हैं, वो किसी बेरोजगार से एक रुपया नहीं लेता, उनके साथ जाता है, उनकी बात कराता है, उनकी मांग उठाता है और काम भी करवाता है। ऐसे में उनकी दुकान बंद हो चुकी है और वो सब मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको रास्ते से कैसे हटाएं, ये रास्ते से हटेगा तो हम पैसे कमा पाएंगे, बेरोजगार से पैसे मांग पाएंगे, डीजल के नाम पे, ज्ञापन के नाम पे, घूमने के नाम पे हम मूर्ख बना पाएंगे। पहले भी इन्होंने एक अभियान छेड़ा था लेकिन मैंने विरोध कर दिया था, उसके बाद बेरोजगार सचेत होकर किसी ने एक रुपया नहीं दिया था। दोस्तों आज बेरोजगार दिवस के रूप में आप लोगों को कहा कि ट्विटर अभियान चलाया जाए। मैं समझता हूं कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार कोई रीट को लेकर, कोई ऊर्जा वार की भर्ती को लेकर, कोई सूचना चाहे सुन जूनियर अकाउंटेंट पंचायत राज एलडीसी नर्सिंग भर्ती, तमाम कई भर्तियों को लेकर वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भर्ती आए या उनकी विज्ञप्ति जारी हो या उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो और उनके सपने साकार। आक्रोशित भी है, निराशा भी है उनमें। अब उनको इनके कुछ साथी द्वारा गुमराह करके उनको कहा गया कि बेरोजगार दिवस के माध्यम से आपकी सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी। साथियों वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। 9 साल तक बेरोजगारों के लिए जिया है, बेरोजगारों के लिए मरा है, लाठियां खाइया जेल गए, आज ही बेरोजगारों के लिए मरता हूं। ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं, मुझे हौसला दुगना मिलता है। कई लोग यार समझ रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पर ट्विटर पे 100-200 कमेंट उपेन यादव को गाली देके गिरा दोगे, हौसला गिरेगा नहीं है। ये सीना ठोक के काम करने वाला व्यक्ति है, काम धरातल पे हम करते हैं। लेकिन उन लोगों को जवाब देने आए हूं जो मुझसे जुड़े हुए लाखों की संख्या में और जो 100-200 ये कमेंट कर रहे हैं ना गाली के रूप में, इनकी वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन मेरे साथियों तक सच्चाई जाए, उनको सच्चाई रूबरू कराने आया हूं कि इन लोगों की बातों में मत आ जाना। उन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के उन अभ्यर्थियों को पूछिए जो लोग तैयारी कर रहे थे, इन लोगों ने गुमराह किया, बोले कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, और उन लोगों की पढ़ाई खराब करा दी और उन लोगों की वो जो एग्जाम थी ना, कई लोगों का नंबर नहीं आया। उसमें भी एक भर्ती, सिंगल भर्ती, इसके अलावा तमाम प्रदेश की हर भर्ती में मैंने हर बेरोजगारों का साथ दिया, सारी भर्तियों में हमने सफलता पाई है। वो भर्ती, उस भर्ती के भी लोग मेरे पास आए थे कि इसकी परीक्षा तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन मैंने उसके लिए उनको मना कर दिया था क्योंकि उससे पहले कुछ लोगों का अभ्यर्थी आएगी परीक्षा तिथि जारी की जाए, उनके साथ जाकर मैंने परीक्षा तिथि जारी करवाई, फिर मैं ही परीक्षा तिथि आगे नहीं बढ़वा सकता था। मैंने उनको मना कर दिया, लोग इकट्ठे हुए, ये लोग पूछे, उनको गुमराह किया, फिर उसके बावजूद भी लोगों की मांग थी मैं आऊं। मैंने फेसबुक पर सर्वे करवाया, सर्वे में सब लोगों की मांग थी मुझे बुलाने की। जैसे ही मैं तैयार हुआ इन लोगों ने मुझे गाली गलौज करके और उन लोगों से दूर कर दिया। और आप देखिए उस आंदोलन का क्या असर हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये लोग अनशन से उठकर, अपनी मर्जी से उठकर, कब अनशन टूटा पता नहीं चला, और अपनी निजी स्वार्थ साधने में लग गए और वो आंदोलन फ्लॉप रहा, जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके भविष्य के साथ उठाघात हुआ। वो नोनी बहन
आज भी मुझे फोन करती कि मेरे पास सबसे ज्यादा दुख वो आज ही बीमार है, वो आज ही वो उसका स्वास्थ्य सही नहीं हुआ है। वो कहती है कि मेरे को केवल राजनीतिक रूप से मुझे उपयोग किया गया, मेरे मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया, मेरा साथ किसी नहीं, आज पब्लिक मुझे कोई भी नहीं पूछा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा, इस भर्ती के अलावा आप बता दीजिए इन लोगों ने आज तक क्या किया है। 5-10 लोग हैं जिसमें एक अपने आप को पता नहीं क्या क्या करता है, क्योंकि वही व्यक्ति उसकी फेसबुक और ट्विटर, तो ट्विटर पर तो क्या होगा, आप यूट्यूब पे उन पे देखोगे। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, मैं सरकार से मेरी नाराजगी थी, मैं विरोध बोल रहा था, क्योंकि जहां मेरा काम होता है यानी कि बेरोजगारों का काम होता है, तो मैं धन्यवाद भी देता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ गलत नहीं हो रहा है तो मैं विरोध भी करता हूँ, ये मेरी हमेशा की मेरी नीति रही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि उपेन यादव तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खिलाफ है, इन लोगों ने क्या किया, अपने साथ पुरानी फोटो लगा ली, दिखा दी कि मैं गहलोत जी का खास हूं, कभी जोधपुर में जाके वहां फोटो खिंचवा के कभी दिखाना कि हम गहलोत जी का खास हूं, बहुत लोगों को गुमराह किया। मैं उस समय मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से कम मुलाकात हो पाती थी, मैं पीसीसी चीफ से ज्यादा मिलता था, मुख्यमंत्री जी बिजी रहते थे तो यहां मैं ज्यादा मिलता था। तो उन्होंने कि साहब वो तो दूसरे पक्ष का आदमी है, मुझे किसी पक्ष से क्या मतलब, मुझे बेरोजगारों से मतलब होता है, और बोले कि उपेन यादव के इसलिए काम नहीं हो रहे उसके साथ जाने से कि सीएम उनके खिलाफ है। जब सीएम से मैं मिला, सीएम तक बात पूछाई, सीएम साहब से मेरे अच्छे रिश्ते बने, अब कहने लगे ये तो कांग्रेसी है। बहुत आज मैंने बहुत से लोगों की गाली, बहुत लोग मैंने ट्विटर पर देखा, लेकिन आज इस चीज से मैंने भी कुछ सीखा है, इससे मैंने भी कुछ सीखा है कि पागलों की तरह पता नहीं होता कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, सुबह निकल जाता हूँ शाम तक पहुंचता हूँ कोर्ट, हाई कोर्ट, मंत्री, बीकानेर, कहीं पे भी, आरपीएस 9 साल तक बेरोजगारों को दिया है, 7 से 8 बार आमरण अनशन जिसमें 3 बार आईसीयू में जाना, लाठिया खाना, मुगध में दर्द होना, सबसे ज्यादा आंदोलन बता दीजिए इनके कौन से, इन्होंने एक अनशन किया बीच फूट के बगे, कौन सा अनशन किया, कौन सा इन्होंने क्या किया, आज तक कुछ नहीं, कई फोटो तो जो हमारे आंदोलन में आके फोटो खिंचवा के वो लगाते थे, ये बेवकूफ बनाते थे। सबसे बड़ी बात, जो रोजगार रोजगार के नाम से कोई संगठन चला रहा है, वो रीड 6 के प्रति 2016 साइंस में से है, संस्कृत बाकी उसमें से है, पहले कोचिंग चलाई, कोचिंग नहीं चली तो बोले बेरोजगारों को अब मैं गुमराह कर लेता हूं, वो आज तक खुद की भर्ती की सूची नहीं निकला पाया, खुद की भर्ती की सूची नहीं निकला पाया, और उस संबंधित भर्ती के बेरोजगार मुझे लगातार कॉल और मैसेज करते हैं। साइंस मेथ वाले अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, कोर्ट से जैसे पेश लाए आप मुझसे मिल लीजिए, पूरी मदद करूंगा, जिस प्रकार 2018 के अभ्यर्थियों को जीत मिली है, हमारा संघर्ष और प्रयास कामयाब होगा, आपकी भी सूची निकलवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपसे वादा करता हूं। ऐसे लोगों के बेखौफ मत रहना, आज जो आज आपके साथ गलत हो रहा है ऐसे लोगों की वजह, जो खुद की सूची नहीं निकलवा पाया वो आप लोगों को क्या रोजगार दिला पाएगा, एक आंदोलन किया उसमें बीच में उठ के बग गया, इसके अलावा क्या किया हमने, क्या किया। मैं इस वीडियो को मत देखिए, आप मेरी फेसबुक मेरे यूट्यूब से खंगालिए पता लग जाएगा हमने काम किया। अभी कह रहे थे उपेन यादव को फेसबुक और ट्विटर पर अनफॉलो कर दीजिए, ये कर दीजिए, अरे मेरे तो आज 600 और बढ़ गए। राजस्थान में लाखों बेरोजगार मुझसे जुड़े हुए हैं, तुम 10-20-100-200 का अनफॉलो करा दो, जिनके दिल में बस चुका हूं मैं, दिल में उनसे आप दिल से निकाल पाओगे क्या, दिल से निकाल पाओगे क्या। हाँ, 144 धारा हटते ही जयपुर में आक्रोश बेरोजगार महासभा आयोजित करूंगा हजारों की संख्या में, और वो संख्या का मतलब वही है कि ताकत सरकार को दिखानी है कि हाँ ये लोग आपके साथ हैं, और यदि आपने इन मांगों को पूरा नहीं किया ये खिलाफ आएंगे तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। युवा मेरी ताकत है, 10-20 लोगों कमेंट और गाली गलौज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 150,000 ट्विटर पर फॉलोअर है, फेसबुक पर 50,000,
यूट्यूब पे 60,000 करेगा। और इन लोगों ने, इनके अलावा इनकी बहुत बड़ी गैंग बनी है, कुछ मेरे साथ ही जो मेरे साथ रहते थे, तो उनके गलत कामों को देखते मैंने उनको बाहर कर दिया, तो वो भी मिले हुए हैं। मेरे ट्यूटर्स, मेरा यूट्यूब चैनल को इन लोगों ने गायब करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 150,000 टॉप राजस्थान में है यूट्यूब चैनल। लेकिन ये चीज क्यों मैं चर्चा आपसे क्यों करना चाह रहा हूं, इन लोगों की सच्चाई इसलिए बता रहा हूं, प्लीज उस पर, उस जिस समय स्कूल व्याख्या था भर्ती 2018 के लोग गुमराह हुए, आज वो पछता रहे। रीड 2016 के लोग गुमराह हुए, आज वो पछता रहे। 17 वाले गुमराह, वो पछता रहे, क्योंकि जो इनसे जुड़े हैं वो जानते हैं, ये नए नए लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम। इनसे प्लीज बचिए। आप लोगों पर जब भी कोई समस्या आती, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का ऐलान हुआ कि इंट्रो डेमो क्लासेस लागू की जाए, सबसे पहले विरोध किया और चेतावनी दी कि हम आंदोलन करेंगे सबसे पहले। और शिक्षा वार्षिक उसका लेटर भी जारी हुआ जो मैंने आपको भेजा है, काम कर रहे हैं, उसका लेटर भी जारी हुआ ट्विटर पर मैंने डाला था, आप देख लीजिए। जहां जहां बेरोजगार के साथ गलत होता सबसे पहले हम खड़ा होते हैं। बाहरी राज्यों का मामला था, हमने उठाया लड़ा उसकी, इन्होंने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, इनको पता नहीं कौन से राज्य में क्या, पूछ लीजिए, बता नहीं पाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए थे, मेहनत की थी। इसके अलावा मैं बेरोजगार आयोग की मांग क्यों कर रहा हूं, आपने मेरा बेरोजगार आयोग वाला वीडियो देखा, आपने क्या कहा था? बेरोजगार आयोग वाला वीडियो का मतलब यही है, यदि बेरोजगार आयोग बनता है तो उपेन यादव की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ना बेरोजगार संघ की, महासंघ की आवश्यकता होगी, इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपका अधिकार आपको मिले, आप अपनी बात रखे सीधे मंत्री अधिकारियों के सामने बात हो। आज आपका बेरोजगार आयोग होता तो आयोग का अध्यक्ष होता, मंत्री होता, अधिकारी होते, बेरोजगार संबंधी बेरोजगार वहां बैठे थे, 5 लोग रीट वाले साथ बैठे रहते, और हो जाता किस कारण से रीट की विज्ञप्ति नहीं आ रही, पैटर्न नहीं आ रही, क्या कारण है, वो चीजें वहां स्पष्ट होती, वो बात रख पाते। मैं एक उदाहरण दिया, हर भर्ती के लोग अपनी बात रख पाते, इसलिए बेरोजगार आयोग की मांग करा था। लेकिन लोगों ने गुमराह किया, उपेन यादव अध्यक्ष बनना चाहता, उपेन यादव नहीं बनना चाहता, मैं खुला बोल रहा हूं सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं मेरा बेरोजगार आयोग बने, मेरा बेरोजगार दुखी नहीं हो, अपनी बात रख सके, अपनी बात जान सके कि भर्ती क्यों लंबित है, कितने दिन में पाएगी, कितने दिन परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, वो रख सके, इसलिए बेरोजगार आयोग की मांग कर रहा था। बाहरी राज्य कोटा खत्म करने की इसलिए मांग कर रहा था कि राजस्थान के बेरोजगारों को मौका मिले। अभी कनिष्ठ अनुदेशक के परिणाम आए, यूपी और बिहार से मेरे पास फोन आ रहे थे, मैं उनकी आवाज से पहचान गया, भैया हमारा नंबर नहीं, कहां से बोले, यूपी बिहार, इतने लोगों का चयन हो रहा है, क्या मेरी गलती यही है कि मैं बाहरी राज्य का कोटा कम करने की मांग करता हूं, बेरोजगार आयोग की मांग करता हूं, भर्तियां निकलवाने की मांग करता हूं, सब लोगों की गलती, क्या ये मेरी गलती है? और इन्हीं गलतियों के लिए आज आप लोग मुझे गाली दे रहे हो। हां मैंने शिक्षा मंत्री जी को जन्मदिन विश किया, एक बार नहीं 1,000 बार करूंगा, भारतीय संस्कृति है, किसी भी व्यक्ति, आज शिक्षा मंत्री ने किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन हो उस दिन तो कम से कम उस व्यक्ति के प्रति सबका व्यवहार सही होना चाहिए। क्यों धन्यवाद दिया? मैं विरोध भी करता था ना शिक्षा मंत्री जी का, जब काम नहीं हुआ, मैं रीड लेवल 2 और कई मामले में मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का मैं धन्यवाद क्यों दे रहा हूं, क्यों विश कर रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है? रीट 2020 के जो ज्यादा अभ्यर्थी, क्योंकि और मैंने देखा, नोट किया कि केवल ये रीट वाले जो अभ्यर्थी ही जिनको इन लोगों ने सोशल मीडिया पे इन लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, उन लोगों तक मैसेज, और लोग तो मैं समझते हैं वो भी समझेंगे, लेकिन सबके लिए वीडियो है। एक चीज बता दीजिए, कल आपका काम हो जाता, मान लीजिए हो गया, मान लो आज आपका काम हो गया, परसों कोई दिवस मना, कोई विरोध करता तो आप विरोध करने जाते क्या? आप कहते नहीं जाएंगे, हमारे तो काम हो गया, नहीं जाते ना? यार दोस्तों, जब तुम्हारे
डेमो क्लासेज इंटरव्यू की घोषणा ही तो आप लोग कहने लगे थे भर्ती अटक जाएगी, हमारा क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा। जब सबसे पहले मैं मिला तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, हम राज्य के बेरोजगारों के साथ हैं। मिलते ही बिना आंदोलनों ने मांग मान ली, वेटेज खत्म करने के लिए बार बार मीटिंग करेंगे, वेटेज खत्म हो, भारी डिग्री जो फर्जी डिग्री वाले बेरोजगारों को फायदा हो वो मांग मान ली। 9322 सेकंड ग्रेड वाले जिनके लिए मैं खुद बीकानेर गया था, सबको पता है, वीडियो उठा के देख लिया, लाइव भी गया था वहां से, और वो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े थे, लगातार उनकी मैं कई बार मीटिंग करवाई। एक बार तो ये सवाल सामने आ गया था, मेरे साथ छाती भी थे, कि बोला स्कूल बंद है, 9322 लोगों को सैलरी कहां से देंगे, सरकार की हालत खराब है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया कि भर्ती अटक जाएगी, और उन्होंने 9322 लोगों को जॉइनिंग के आदेश किए, एलडीसी शिक्षा विभाग वालों की जॉइनिंग के आदेश, प्रयोगशाला सहायक 2018 की जॉइनिंग के आदेश, जो जो चीज लेके गए, यार आप बेरोजगार संघ कार्यालय आप आओगे, आपका मैं काम करूंगा, और फिर कल आप मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं आपको कार्यालय में घुसने दूंगा, क्या बताओ आप। कोरोना काल है, सेकंड ग्रेड वालों के साथ मैं था लगातार शुरू से एंड तक, आज स्कूलों में है, झूठ बोला तो वीडियो वो भी देखते हैं, वो बता देंगे, जवाब भी दे देंगे, तुपेन यादव झूठ बोला सही बोल रहा है। कभी भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं हुई आज तक, लेकिन हमने पीछे पड़ के कम से कम कंप्यूटर शिक्षक पद कैडर की घोषणा करवाई, वैकेंसी भी आएगी। इसके अलावा दोस्तों आप सोचिए, रीट 2018 के लिए हंसन किया, लाठियां खाई, और उस समय हाथ जोड़ के निवेदन कर देते, क्योंकि उस समय इन्हीं लोगों ने चैलेंज दिया मुझे, इन्हीं लोगों ने कि आपके इसमें दम है, इनके नेतृत्व में दम है, तो ये सूची निकलवा के दिखाएं कि आप रीट 2016 में उर्मिला को मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, और दो संस्कृत मामले डीबी में जा सकती है, और इस मामले में भी सरकार डीबी में जाएगी, इनमें दम हो तो बता दें। इन्हीं लोगों ने चैलेंज दिया और इन्हीं लोगों को मैंने चैलेंज स्वीकारा, और हमारे मामले में सरकार डीबी में नहीं की, माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की एक और सूची जारी होगी, एलडीसी के पद जोड़े जाएंगे। इसके बाद इन्हीं के साथियों ने इनको लताड़ा कि यार उनका तो काम हो गया, आपने काम नहीं किया, तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि उपेन यादव को कैसे गिराए, पूरी प्लानिंग। लेकिन मुझे हौसला मिलता है मेरे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, और गाली दीजिए, लाखों लोग हैं मेरे साथ, उनका प्यार और मान सम्मान है, और उनके लिए मैं पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ूंगा। कोई ट्विटर पर ट्वीट करने से, गाली देने से उपेन यादव कमजोर नहीं पड़ेगा। पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ये पतली गली से भग जाएंगे कि लट पड़ेगा, या तो लाठिया खाइए, खून बहाया है, जेल भी गए, और किसी के बाप से नहीं डरे, सीना ठोक के खाया, किया है काम। लेकिन इन लोगों से आप ठीक है, रीट 2020 ओनली, रीट 2020 मैं कुछ दिन रीट 2020 के लेकर, चलो ठीक है, ये लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, चलो ठीक है, ये ट्यूटर से अभियान चला है, अच्छी बात है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, 2020 के लिए जिम्मेदारी ले कर रहे करें आंदोलन। हमने तो कल भी इकट्ठे हुए 30-40 लोग इकट्ठे, मीडिया के माध्यम से कम आपकी आवाज तो उठाए ना, इकट्ठे होकर कल भी आवाज उठाई, मीडिया ने हमारी आवाज बुलंद की है, मीडिया को धन्यवाद, देख लीजिए, वो भी तो काम है ना, इकट्ठा होना, मीडिया में आवाज उठाना, वो काम नहीं है क्या, आवाज नहीं उठा रहे, रोज आज भी आवाज उठाने की कोशिश करो। बात ये थी, सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आप बेरोजगार की ट्रेंड कराओ, आप वो करो वो करो, मैंने मना कर, मुझे उल्टा सुल्टा मैसेज से बोलने लग गए, तब मैंने देखा यार मैं पागल हूं जो 9 साल से इन लोगों के लिए जी जान लगाता हूं, मरता हूं, मेरी क्या दुश्मनी थी बीजेपी वालों से जो 5 साल उन लोगों से लड़ा, मेरी क्या दुश्मनी है कांग्रेस वालों से मैं लड़ता हूं, जब बीजेपी में आंदोलन कर रहा था कांग्रेस ही, और कांग्रेस में मैं अभी जेल गया 25 नवंबर 2019 को, और जब अनशन किया तो ये बीजेपी का है, यार एक स्टैंड तो रखो, एक आरोप तो लगाओ, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, फिर आने वाले आरएलपी का बता देना, फिर दूसरी पार्टी का बता देना, एक स्टैंड तो रखो, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, आप मुझ पर नहीं है, उनको पूछिए
आप मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, आप लोगों के लिए कौन बकता आज भी कल भी कौन बकता है? ये आज दिवस बना के रह जाएंगे ट्विटर पे, जब जब दिक्कत आती है मैं ही भागता हूं आप लोगों के लिए। कभी कौन सा विवाद, कभी कौन सा विवाद, कभी लेवल फर्स्ट वाले फोन करते, कभी सेकंड वाले फोन करते, हर विवाद का निस्तारण कराने की कोशिश की है। किसी भी रोजगार के साथ गलत नहीं हो, दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप, मैंने उस समय भी एक वीडियो डाला था स्कूल व्याख्याता वाला, कि आपने जो चयन किया है ना उस व्यक्ति के बारे में नहीं जाना, और बाद में यही हुआ, सच्चाई उनके सामने आई, मामला दब गया, दो चार दिन उनको गाली पड़ी, वापस आ गए, आपको फिर वर्णित करने लगे। ऐसे लोगों से सचेत रहे जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, क्या करें। इसलिए जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं ना, ऐसे प्लीज बच कर रहिए। मुझसे नहीं, आप दुनिया से पूछे, जो लोग नौकरी लगे ना शिक्षक भर्ती 2013, 12, 16, 18 उनसे पूछिए, कृषि प्रेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, एलडीसी, पीटीआई, उन सबको पूछिए कि उनके साथ कौन खड़ा रहता था, आज वो नौकरी कर रहे हैं तो किसने साथ दिया है। ये केवल आपको सोशल मीडिया पर भ्रमित करके मुझे आपसे दूर करने की कोशिश करे कि उपेंद्र यादव गुस्सा करके उसे छोड़ के भग जाए। हाँ, मैं जरूर इन लोगों को थोड़े दिन के लिए रीड दो या जिसके लिए मौका दे सकता हूँ, चलो कि शायद मेरे साथी भी कई लोग युवा जो बहुत कह रहे कि उपेंद्र यादव तो बिक गया, उपेंद्र यादव तो ये हो गया, हिंदुस्तान की कोई करेंसी नहीं उपेंद्र यादव खरीदने वाले। और मेरा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मेरा खुला चैलेंज है, आ जाइए, फोन करके आ जाइए, मेरे कार्यालय आ जाइए, आमने सामने बैठिए और सिद्ध कर दीजिए आपने गलत किया है, आपकी नीति गलत है। जो आपको भड़का रहे उनको भी खुला चैलेंज, आइए मेरे सामने, बैठिए मेरे सामने, करिए बात, मैं दूंगा आपकी बातों का जवाब। क्योंकि जो धरातल पे काम करता है ना, हर बात का जवाब देने की हिम्मत रखता है, न किसी के बाप में हिम्मत नहीं मुझे खरीद ले, मैं प्यार और मान सम्मान के लिए अपनी जान दे सकता हूं। जो रीड 2018 की सूची का मामला था, उन लोगों को पूछ लीजिए, तो कुछ भी कहे, मुझे मेरे उन साथियों को देखना होगा कि हाँ कौन काम, क्या तुम ये चाहते हो? आप लोग आते हो, एलडीसी भर्ती 2018 वाले 12,000 वाला था, आई वाला मामला था, आया कोर्ट में, लोग जा रहे थे, नहीं कोर्ट में जब उनके साथ अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्या हल करा, वो मेरे साथ थे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, जो तमाम मैं भर्तियां बता रहा हूँ, आरएस भर्ती में भी एडवोकेट जनरल साहब होते हैं, एक एक डेलीगेशन को मिलवाना, उनकी बात रखवाना, उनका काम करवाना। महिला आंगनबाड़ी, कोर्ट ने नोटिस दे दिया कि हाँ भर्ती पर संकट छा गया था, भर्ती रद्द हो सकती है, उसमें एडवोकेट जनरल साहब को करवाकर वो भर्ती आज बच चुकी है। आप लोग ज्ञापन मुझे देते हो, आप लोग आवाज बजाते हो, यार मैं आप लोगों के लिए जाता हूं, बात रखता हूं। हाँ मैं मानता हूं मैं 100 ज्ञापन दूं, 100 में 100 नहीं होते, लेकिन जितने काम हो रहे बेरोजगारों के हो रहे हैं, इस कोरोना काल में भी काम हुए हैं, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और आप चाहते हो कि मैं उनको गाली दूं, उल्टा बोलूं, मेरी संस्कृति में नहीं है, मुझे तब लगेगा कि बेरोजगारों के सपनों के साथ, उनके हकों के साथ कुटार गात हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, तो मैं बिना कहे सड़क पे उतर जाऊंगा, लेकिन वहां मुझे जाना पड़ता है, बात रखनी पड़ती है, काम भी होते हैं, तो मैं एहसान फरामोश नहीं है कि मैंने दो काम कर दिए, एक नहीं किया तो गाली देने लग जाऊं, साहब सेकंड ग्रेड एलडीसी प्रयोगशाला सहायक कृषि प्रयोगशाला ज्वाइनिंग दे दी, वो तो कोई दिक्कत नहीं आपकी स्टेसी, आप तो रेट क्या करिए, क्यों नहीं किया रेट साहब,
उनसे मतलब नहीं, आपने कर दिया तो कर दिया, ऐसा नहीं कह सकता मैं। किसी चीज के लिए जाते हैं ना, मैं कोई मुख्यमंत्री मंत्री नहीं हूं, निवेदन प्यार से काम होते हैं, कोशिश हर व्यक्ति के लिए करता हूं। तो दोस्तों, हालांकि ये वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी के बाप से डरता हूं, उन दो चार लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोशिश कर रहा है तो मजा आएगा, चैलेंज स्वीकार करना और काम करना मजा आता है। लेकिन कम से कम मेरे युवा साथियों को मैं सचेत करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि ये लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चलो मैं कुछ दिन चुप बैठ जाऊंगा, चलो मैं कुछ दिन आपकी आवाज नहीं उठाऊंगा, ट्विटर के अलावा इनका भी आप देख लेना कि आप लोगों के लिए क्या करते हैं, कि आपके लिए ढाल बनकर कितने समय से आते थे, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जब जब संकट आता ना मेरे रोजगार के लिए, मैं सबसे पहले खड़ा रहता, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर आप देखा कि कुछ लोगों के द्वारा गाली गलौज बिक गया, पता नहीं क्या क्या बोला गया, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि हाँ यार, सुबह शाम मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि आज इस व्यक्ति का काम हो जाए, ऐसा ही व्यक्ति रोज 16 के पद जुट जाए, पंचायत राज एजेंसी 10,029 लोगों को परिवार का भला हो जाए। आज भी मीटिंग हुई, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी पीसीसी चीफ 10,029 पदों को लेकर गंभीर है और मजबूती से पक्ष सरकार की भर्ती होनी चाहिए। क्या मैं जिन लोगों को काम नहीं हो रहा उन लोगों के लिए उल्टा बोल के मैं 10,029 परिवारों को पेट पे लात मार दूंगा, जो मंत्री मजबूती से मीटिंग में बात रख रहा है कि इनकी भर्ती होनी चाहिए, वह व्यक्ति मेरे साथ जाकर उनका डेलीगेशन मिलकर आ रहा है, उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया वो जानते हैं, व्यर्थी मंत्री जी रेस्पॉन्स वो जानते हैं, भैया मैं 10,029 पदों के जो परिवारों पर लात नहीं मारूंगा, इनका काम। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, दो मुकदमे वापस हो चुके हैं, इसमें 20 लोगों के मुकदमे वापस हुए, इसमें 18 लोग तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पोस्टेड हैं, जो उनको डर था कि हमारी नौकरी नहीं चली जाए। अभी दो दिन पहले ही मेरे पास गृह विभाग से फोन आया कि आपके 152/2013, 211/2015 ये दोनों केस वापस ले लिए गए, यानी कि 20 लोगों के केस वापस ले लिए। अभी कुछ केस और बाकी है जिसमें राजस्थान पुलिस में उनका नंबर आ गया, तो क्या उन 20 लोगों का भविष्य नहीं बना? उसमें भी शिक्षा मंत्री जी ने अहम भूमिका निभाई, मैंने निवेदन किया साहब ये शिक्षा विभाग के टीचर है और ये दुखी है, परेशान है, इनके मुकदमे वापस हो जाएंगे तो ये सही ढंग से पढ़ा भी पाएंगे और इनको डर लगता है कि हमें नौकरी से कब हट जाएं, ये टेंशन में कोर्ट के चक्कर काटते हैं। इन्हीं शिक्षा मंत्री ने मजबूती से पेरियू करके उनका केस हटाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है धन्यवाद देने का। और रही बात जन्मदिन की, जन्मदिन तो हर कोई किसी को भी बधाई दे देता है, लेकिन जिन्होंने हमारी मांगे पूरी की है मैं धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, ये मेरा फर्ज है और ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। आप कुछ भी बोलिए, मेरा व्यक्तिगत फैसला है, व्यक्तिगत फैसला के अंदर मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। मैं खुद आज मिल के आया हूं और बात थक के आया और धन्यवाद देता हूं। और जो ये कह रहे ना कि अनफॉलो कर दो, ये कर दो, करिए ना, करिए ना, आप उनसे जुड़िए, पता लग जाएगा थोड़ी देर में, पता लग जाएगा। और कई कह रहे हैं कि उपेन्द्र यादव तो कांग्रेस ही है, मैं बता दूं 2013 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को मैंने तलवार दिया था, मेरा पूरा परिवार बीजेपी के साथ था, हमारे सापरा से एमएलए राव राजेंद्र जी थे उस समय, मैं उनके साथ सभाओं में सभी के साथ था, इस बार हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। मेरी पार्टी एक ही है, बेरोजगार पार्टी। एक बार पुनः आपको बता देता हूं, और जो लोग मैंने कहा ना भी, जिन लोगों के मैंने उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को भ्रमित किया गया, जिनके दिल में कोई सवाल है, मुझसे आकर कभी भी मेरे कार्यालय मिले, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। अभी जो कुछ लोग हमारे कार्यालय आए थे
कल ही आए थे, उनको मैंने हर बात का जवाब दिया, वो संतुष्ट होकर कहते थे हमने निर्णय लिया था 144 धारा लगी हुई है, इकट्ठे हो नहीं सकते, फिर भी हम इकट्ठे हो गए और हम लोग जैसे 144 धारा हटेगी परमिशन लेके सोशल डिस्टेंसिंग पालना करते हैं, हजारों की संख्या में जयपुर में इकट्ठे होंगे। अभी फिलहाल मीडिया का सहारा, सोशल मीडिया का सहारा, तो मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज कल हमने बुलंद की, जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए दोस्तों कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी मत मानिए, जिन लोगों को नौकरी मिली है उनसे पूछिए, मेरा YouTube चैनल देखिए, मेरा जो Facebook अकाउंट है उसमें टोटल पहले के अपडेट मैं अपडेट करता हूँ, मैंने आज क्या किया, किस भर्ती के लिए क्या किया, आप वो देखिए। ये जो 1.5 लाख जो मेरे ट्विटर पे फॉलोअर है, Facebook है, ये कैसे नहीं बढ़े, ये काम करने की वजह से लोग जुड़े हुए हैं। काम किया तो मैंने थोड़े दिन पहले एक लाइव में ये भी कहा था कि कनिष्ठ अनुदेश्य का परिणाम इस महीने में आ जाएगा और कैलेंडर भी जारी हो जाएगा, पटवारी की परीक्षा जनवरी में हो सकती है, कई चीजें बोला, कैलेंडर आ गया, कनिष्ठ परिणाम, क्योंकि हम लगातार प्रयास करते हैं और प्रयास का परिणाम आप लोगों के सामने है, भागते हैं, दौड़ते हैं, परिणाम भी देते हैं, लेकिन कोई लोग किसी की बातों में आकर किसी व्यक्ति को गलत साबित मत करिए, 9 साल मेहनत की आप लोगों से, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 9 साल बहुत लोगों की वो कर ली, मैंने सेवा कर ली, मैं तो पहले ही प्रवक्ता के तौर पे कोरोना स्थिति सही हुई, मैंने पहले घोषणा कर रखी है कि मैं ज्यादा दिन प्रवक्ता या संरक्षक जो बेरोजगार संघ का हूँ उस पर मैं नहीं रहूंगा, ये नए नए लोग आए ना पता चल जाएगा, ये लोग संभालेंगे, जब आप लोगों को कहेंगे हर बात के लिए पैसे मांगे तो पता लग जाएगा कि क्या होता है, कैसे मुर्ख बना, पता लगे ये कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, इन्हीं के कुछ साथी, इन्हीं के साथी आपको तो पता ही नहीं, इनके साथ घूमते थे, इन्हीं के साथी फरार हैं, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम से सचिवालय में उनका नंबर आ गया था, वो फरार है, धीरे धीरे और लोगों के नाम आएंगे, वो सच्चाई भी सामने आएगी कि पर्दे के पीछे कौन सा खेल खेल रहे हैं लोग। छोड़ूंगा नहीं गलत आदमी को, ईमानदार आदमी किसी के बाप से डरता नहीं है, सच्चाई के लिए से वो हर मुद्दे को जीतता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं तमाम उन साथियों को कहना चाहूंगा, मेरे बेरोजगार साथियों तक पहुंचे, जो आज कुछ लोगों ने 9 साल की मेहनत में मेरी इमेज पर कीचड़ उछाने का काम किया है, उन लोगों को आप लोग जवाब दें। यदि आप लोगों को मैं ये कहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूरा चिंतन करके आगे पीछे की सोच करके आज इस व्यक्ति ने आज तक क्या किया, आज ये सोशल मीडिया पर, लेकिन धरातल पर कौन भागता, कौन पागलों जैसे वहां जाके खड़ा हो जाता कि आप लेके मंत्री जी सुनिए, ये आप सुनिए अधिकारी को वहां खड़ा, सोचिए वो चीजें आप सब नोट करना। उसके बाद आप लोग जरूर इस पर टिप्पणी करना, बताना, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप सच का साथ दोगे या भ्रमित करने वाले लोगों का साथ दोगे, जो लोगों ने पहले भ्रमित किया अब आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आक्रोश सिस्टम को लेकर बेरोजगारों का था, हर ग्रुप में माहौल बना हुआ था और सबने एक साथ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ट्विटर पर ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को निकालना कोई उसकी एक बड़ी जीत नहीं होती। हाँ, आपने ट्विटर ट्रेंड करवाया बेरोजगार दिवस के लिए, माने मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक बात चली गई, लेकिन जो व्यक्तिगत मंत्री जी या किसी को भी मान लीजिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं कि मंत्री जी उनसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी खुद की भर्ती का काम नहीं हुआ और इन्हीं गलत लोगों की वजह से। यदि प्यार से अपनी बात रखते, हमें भी मंत्री जी ने 50 बार मना किया रेड लेवल 2 के लिए, लेकिन हमने प्रयास लगातार जारी रखा, आखिरकार माननीय मंत्री जी ने हमारी मांग पूरी की, मांग पूरी करवाने के लिए कई बार हमें थोड़ा नरम भी पड़ना पड़ता है, चुप भी रहना पड़ता है, क्योंकि राजनीति से मतलब नहीं, हमें मतलब है बेरोजगार के कामों से, काम हमने किया है। इस वीडियो में और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, केवल
हर बात का जवाब काम है, मेरा काम ही मेरा कर्तव्य है और मेरा काम ही आप लोगों को जवाब देगा। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें और उन लोगों को जरूर जवाब दें जिन लोगों ने आज सोशल मीडिया पर गाली गलौज और उल्टा फुल्टा बोलने की कोशिश की है। आप सच्चाई जानें और पता करें कि कौन गलत है सही है। आपसे मेरा यही निवेदन है और आपको लगता है मैं फिर घोषणा कर देता हूं कि उपेन्द्र यादव आप लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा, तो कल आप आ जाइए बेरोजगार संघ कार्यालय, मैं कल ही मेरी जगह आपको अध्यक्ष बनाकर, मैं अध्यक्ष नहीं हूं रविंद्र चौधरी, मैं संरक्षक प्रवक्ता जो भी हूं, हम बेरोजगार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उनको सौंप देंगे, वो बेहतरीन कार्य करें। हमारा उद्देश्य ये है कि बेरोजगारों का भला हो, उनको समय पर रोजगार मिले, उनको न्याय मिले और वो हमसे अच्छा काम करे, तो इससे अच्छा हमारा भी सौभाग्य हो कि इसको कोई आगे बढ़ा रहा है और कोई बेरोजगार को न्याय दिला रहा है, तो वो कभी भी बेरोजगार महासंघ कार्यालय आ सकता है, इंतजार रहेगा वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और न्याय दिलाए, क्योंकि 9 साल से हमने घर से कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये बेरोजगार संघ कैसे चल रहा है। समय प्लस कर्जा कर इस संगठन को खून पसीने सींचा है, लाखों लोगों को नौकरियां दिलाई है, उसके बावजूद भी जब ईमानदारी पे सवाल उठता है ना, तो या नहीं दिल में दर्द होता है दिल में, लेकिन इन कुछ लोगों को जवाब आप लोग दोगे और आप लोग नहीं दे पाओगे तो हम काम करके जवाब देंगे, लेकिन कुछ समय के लिए मैं एक बार इन लोगों को कहूंगा कि आप अच्छा काम करके दिखाएं, किसी को गिराने गाली गलौज से आप आगे नहीं बढ़ सकते, मुझसे अच्छा काम करके दिखाओ, ये बेरोजगार आपको आपको भी बिठा लेंगे। जय हिंद जय भारत।